Hi guys, this is Amardeep Srivastav and this is the lecture number 2 of Environment and Ecology for UPSC Engineering Services as well as for any exam in which Environment and Ecology is the part. So, इस लेक्चर में मैं इन इकोलॉजी के बारे में बताऊंगा और लेवल ऑफ इकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, मतलब किस किस लेवल को ये कंसिस्ट करती है और आखिर इन्वायरमेंट की बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो स्टार्टिंग की होती है वो होती क्या है. ओके सो अब इस लेक्चर में हम लोग ये मोस्टली तो फोकस यही रहेगा कि इकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे. तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है. ठीक है, तो इकोलॉजी समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर बेसिक इसकी मतलब क्या होती है और इसके बारे में हम लोग बेसिक समझेंगे. ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? इट इज ए स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज, मतलब जो मोस्टली मेरा इकोसिस्टम होता है उसके स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं. अब हम ये समझेंगे इकोसिस्टम कहते किसको है. तो इकोसिस्टम कहने का मतलब ये हुआ जहां पे बायोटिक, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया, और एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो दो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक साथ किसी एक एरिया में रह रहे हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो उस को एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम कह रहे हैं. और उसके स्टडी को, दैट इज उसके जो हम लोग उसकी पढ़ाई करते हैं और उनके उसके बारे में जानते हैं उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो पहले जान लो कि एक ऑब्जेक्टिव यहां ये क्रिएट हो सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी. इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर किसको किनको कहा जाता है? उनका नाम है ईपी ओडम. ईपी ओडम इज नोन एज फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी. एंड अगर हम लोग ईपी ओडम के बारे में जान रहे हैं तो इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी भी हमको जानना पड़ेगा. तो उनका नाम है रामदेव मिश्रा. रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. ओके, तो आपको इकोसिस्टम पता चल गया. तो अब ये जान लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम है वो है अर्थ. अर्थ इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम. ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी. ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग ये क्या होता है. तो पहले समझो कि पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे. ओके, तो देखो लेवल क्या क्या होता है. पहले इंडिविजुअल आएगा, फिर पॉपुलेशन आएंगे, फिर कम्युनिटी आएगी, इकोसिस्टम उसके बाद, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल होता क्या है? वैसे ये नाम से तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास एबिलिटी है किस चीज के लिए, टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो खुद पे इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज पे एक्ट कर सकती है और खुद को सर्वाइव कर सकती है, वही इंडिविजुअल होती है. तो ये क्या हो सकता है? प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है जो कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है. ठीक है, तो इसका बेसिक फीचर ये होगा, इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनल्स और अदर पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो अगर बायो के लेवल में हम लोग जाके सोचेंगे, बायोलॉजिकल लेवल पे जाके सोचेंगे, तो आखिर क्या डिस्टिंग्विश करता है, क्या डिफ्रेंशिएट करता है किसी एक ऑर्गेनिज्म को? तो आप कह सकते हो कि उसके पास सेल होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गेनल्स होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होगा, आईज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो उनके लाइफ को प्रोसेस करती है. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करेगा किसी एक इंडिविजुअल को. ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या क्लियर हो गया. अब हम जानेंगे कि पॉपुलेशन होता क्या है. ठीक है, पॉपुलेशन मोस्टली क्या होता है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पेसीज Occupying a defined area during a specific time. अब मान लो population को decide करने का मतलब ये होता है कि एक usually, मतलब लगभग एक species के जो organism होंगे और area defined होंगे और किसी एक specified time में उनको define कर दिया गया, या फिर automatically वो defined होंगे कि इस area में वो exist कर रहे हैं. ऑफ सेम स्पेसीज, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग पॉपुलेशन में सेम स्पेसीज की बात करते हैं. ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन जाने हैं तो उनके बारे में एक चीज जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी. आखिर ग्रोथ जो होती है, या तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है या फिर पॉपुलेशन एकाएक बहुत कम हो जाती है, उसका रीजन जानना है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में यह जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता क्या है.
तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स। मतलब अगर मान लो कोई एक टाइम पे आप कोई एक टाइम पे मेजर कर लो और उसके 50 इयर्स के बाद या फिर 20 इयर्स के बाद या 5 इयर्स के बाद मेजर करो, अगर पॉपुलेशन ग्रेडियंट और पॉपुलेशन डिफरेंस होता है तो उसको ही हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करेगा, या तो बर्थ पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो गया, मान लो बहुत सारा जन्म ले लिया, बहुत सारा स्पीसीज वहां पे जन्म ले लिया, तो वो भी एक कारण हो सकता है, या फिर एक कारण हो सकता है माइग्रेशन का, ठीक है। और ग्रोथ रेट नेगेटिव होने का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिनिटी आ गया, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कोरोना ही हो गया, फिर कोई भी ऐसा डिजीज आ गया जहां बहुत सारे लोग मर गए, तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। यहां इसको कहते हैं पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो इमिग्रेशन भी एक कारण होगा पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ का, ठीक है। माइग्रेशन कारण होगा पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ का, डिफरेंस समझना। अब समझते हैं कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी अभी हम लोग क्या जाने, इंडिविजुअल के बारे में जाने, फिर हम लोग पॉपुलेशन पे मूव किए, अब हम लोग जान रहे हैं कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एरिया, ठीक है। जैसे कोई एक एरिया है, मान लो यहां पे ह्यूमंस भी हैं, बैक्टीरिया भी है, फिशेस भी हैं, टर्टल्स भी हैं, और बहुत सारे स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, मैक्सिमम बहुत सारे स्पीसीज हैं एरिया में रह रहे हैं, जो कि आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते भी हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ शेल्टर कह सकते हो, या फिर फूड कह सकते हो, या फिर इवन फॉर क्रॉस ब्रीडिंग ऑल्सो। दैट इज, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीसीज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विथ विच दे आर एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज, सेवरल वेज। मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे एक्टिवली और एक दूसरे की हेल्प करेंगे टू सर्वाइव इन दैट को एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, तो उनको ही हम लोग कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, जानवर होते हैं उनको प्लांट चाहिए, जैसे हम लोग वी एज ए ह्यूमन, हम लोगों को प्लांट चाहिए फॉर आवर फूड, खाने के लिए, और फिर कह सकते हो शेल्टर के लिए, या फिर हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं प्लांट का। अब वैसे ही प्लांट को भी हमारी जरूरत है, कैसे, अगर मान लो किसी स्पेसीज का, जैसे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलिनेशन एक तरह का क्रॉप ब्रीडिंग होता है। कहां से, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन कंटेंट, जो कोई बीज किसी फ्लावर पे बैठा, वहां से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया और उसके फीमेल पार्ट पे ले जाके पहुंचा दिया, तो वहां पे क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होगा। इसके कारण क्या होगा, मेरा जो प्लांट होगा वो ग्रोथ करेगा वहां पे, मतलब न्यूअर प्लांट आएगा, बेबी प्लांट आएगा, ठीक है। अब समझते हैं इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, ठीक है। तो इकोसिस्टम वही हो गया जहां पे एक बड़ी सी बड़ी कम्युनिटी हो गई, जहां पे बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। मोस्टली बायोटिक जो होंगे वो फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होगा, एक्सचेंज ऑफ फूड होगा, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हो सकता है फॉर द सर्वाइवल। अब इसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स आता है, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। तो आप कह सकते हो कि बायोटिक एबायोटिक का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फॉर द सर्वाइवल और फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसको इकोसिस्टम कहेंगे। लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम क्या है, अर्थ है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम इज द अर्थ। अब समझो इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इकोसिस्टम को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई किए हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें क्या आता है, जो कि नेचर ने खुद बनाया है। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली डिजाइंड है। जैसे हो गया टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड, लैंड इकोसिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। लैंड में क्या क्या जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड्स आ जाएगा, डिजर्ट्स आ जाएगा, ओशन आ जाएगा, ओशन एक्वेटिक में आ जाएगा, ठीक है। डिजर्ट्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, प्लेन्स आ जाएगा, जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स हो गए, फिर माउंटेन्स आ जाएगा। और एक्वेटिक में क्या होगा, सेकेंड नेचुरल इकोसिस्टम एक्वेटिक होता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर,
ओशन ये एग्जांपल है, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लो, पॉन्ड्स और लेक्स में डिफरेंस क्या होता है। पॉन्ड्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। पॉन्ड्स जो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है, और लेक्स जो होता है वो इधर रिवर और ओशन से कनेक्टेड होता है, जैसे चिलिका लेक हो गया, ठीक है। तो पॉन्ड्स जो होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, रिवर हो गया, ओशन हो गया। अब देख लो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल जान लो, जू हो गया, फिश एक्वेरियम हो गया, पार्क हो गया, पीवीआर हो गया। पीवीआर जैसे मान लो मूवी देखने गए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो वो भी एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। नाउ अब समझते हैं कि बायोम क्या होता है, ठीक है। तो ये अदर लेवल ऑफ इकोलॉजी है। तो बायोम क्या होता है, द टेरेस्ट्रियल प्लांट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजंस कॉल्ड बायोम्स। अब देखो बायोम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, बायोम्स मोस्टली क्लासिफाई किया जाता है रीजनल, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन और जनरल सॉइल टाइप के क्लासिफिकेशन पे। मतलब एक डिफरेंट फैक्टर पे ये जो क्लासिफिकेशन होगा, विच इंक्लूड्स क्लाइमेट के कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, वेजिटेशन के कारण, उनके लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से, तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बायोम कहेंगे। जैसे मान लो सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर एबायोटिक कंडीशन, मतलब क्या है, जैसे मान लो जैसे पोलर बेयर है, तो वो वहां पे ही क्यों रहता है, पोल्स पे ही क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे उसको क्लाइमेटिक सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको मतलब कोल्ड चाहिए, तो वो उसका वहां पे एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये किसने, कौन डिसाइड किया, ये डिसाइड किया बायोम ने, मतलब कि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड किया कि कहां पे वो ग्रो करेंगे, कहां पे वो सर्वाइव करेंगे। और एक बात जान लो कि नो टू बायोम्स आर अलाइक, कोई भी एक बायोम्स दूसरे के बराबर मतलब इक्वल नहीं होता है। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ बायोम्स एंड अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है वो सबसे ज्यादा एबायोटिक कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है बायोम्स के क्रिएशन के लिए, ठीक है। और अगर बायोम की कोई बाउंड्री बनाती है तो वो होती है मोस्टली, कौन डिसाइड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड करता है, या फिर टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लाइमेट फैक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ही होता है। अब देख लो फाइव मेजर बायोम्स ऑन अर्थ क्या क्या होता है, टेम्परेट हो गया, टुंड्रा हो गया, टुंड्रा को ही हम लोग पोलर रीजन कहते हैं, एक्वेटिक हो गया, फॉरेस्ट रीजन हो गया, ठीक है। तो अभी यही था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स, एंड दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो अभी यही है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं पूरे पूरे डेप्थ में जाता जाऊंगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। मेरा मेन फोकस होगा जो टॉपिक बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो गए फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो मैं कवर करूंगा। थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी नोट्स मैं प्रोवाइड करूं, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल थ्रू द सेम नेम, गेट इट सिंपलीफाइड ऑल्सो, और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप।